बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। मैंने ये वीडियो पहले भी शूट किया लेकिन वो किसी वजह से सेव नहीं हो पाई, तो दोबारा से बना रहा हूँ। थोड़ी सी मेहनत दोबारा से लग रही है लेकिन आप दोस्तों के लिए फिर भी बता रहा हूँ। केची एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि भाई जान हम इसमें रिचार्ज करते हैं और हमारा रिचार्ज नहीं आ रहा। और काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा कैंसिल भी हो चुका है, हमें पैसे भी वापस नहीं मिल रहे। ठीक है, तो यार यहाँ पर छोटी सारी चीज़ें हैं वो आपने सेटिंग करनी है। आई होप कि उस सेटिंग की वजह से भी आपको रिचार्ज में मसला हो सकता है। ठीक है, अब मुझे कन्फर्म तो नहीं है कि आपने वो सेटिंग क्या कर रखी है लेकिन वो आपने सही करनी है। ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है वो थर्ड पार्टी रिचार्ज जो है एक्सेप्ट नहीं करती। थर्ड पार्टी रिचार्ज से मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन में आपने किसी और का नाम लिखा हुआ है और बैंक अकाउंट या जायज कैश इसी पैसे के जरिए आप किसी और अकाउंट नेम से भेज रहे हैं तो ये थर्ड पार्टी में आ जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने सेट करना है। पहले आपने क्या करना है कि मी पे चले जाएं। मी पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पर्सनल इन्फो के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा डिटेल का, इसके ऊपर क्लिक करना है। डिटेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके सामने एक नाम आएगा, ऊपर होगा यूज़र नेम, नीचे होगा नेम। तो नीचे वाला जो नेम है ये आपने करेक्ट लिखना है, ये आपने वो लिखना होता है जो आपका जायज़ कैश या इजी पैसा में नाम है, यानी कि जिसके ऐप्स के जरिए आप इसमें रिचार्ज करेंगे उसमें आपने वो सेम नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आपने भी चेक कर लेना कि आपका ये सेम नाम है। अगर सेम नाम है तो यहाँ पर उसको 100% जो है आपका रिचार्ज जो है वो यहाँ से रिसीव हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर भी होता है और जब हम विड्रा वगैरह करते हैं यहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो उस सेट पे भी आप विड्रा पे क्लिक करके भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर विड्रा सेट करने के लिए आपने जो है यहाँ पर पहले अपना अकाउंट नंबर डालना होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आपने क्लिक करना है, अपने इजी पैसा का नंबर यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और उसी इजी पैसा के नंबर के जरिए आपने रिचार्ज वगैरह भी सेव करना है। ठीक है, जहाँ से भी आप कर सकते हैं और दोबारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएं, और जाने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर बैंक ऐड करने का ऑप्शन होता है, ये देखें बैंक ऐड, इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो है बैंक ऐड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। पीयर नेम, पीयर नेम दोस्तों यही होता है कि ये वो नाम होता है जिस नाम के ऊपर आपका जायज़ कैश इजी पैसा का अकाउंट बना होता है। ठीक है, ये नाम होता है, इधर आपने क्लिक करना है और जो भी आपका बैंक अकाउंट है ना इजी पैसा सेलेक्ट करना है। इजी पैसा आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बस ये काम आपने कर देना है और ये काम आपने लाजमी करना है। ठीक है, तो इधर भी आपने इजी पैसा ये काम पहले सेट कर लें, उसके बाद आपने इसमें रिचार्ज कर लेना है। ठीक है, आपके पास नंबर इधर भी आ जाएगा, आपका सेम हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह आप दोस्तों को जो है इसका रिचार्ज मिल जाएगा। बाकी इसकी हेल्पलाइन की बात करें तो इसकी हेल्पलाइन पर रब्ता नहीं हो रहा। मैं आपको तरीका समझा देता हूँ, आप लोग ट्राई करें। मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझे मैसेज का जवाब नहीं मिला। हम ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करते हैं और ऑनलाइन सर्विस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से इनका मैसेज का सिस्टम आता है। यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर इनको एक मैसेज किया था कि रिचार्ज इशू, लेकिन अभी तक इनका जो है जवाब नहीं आया। तो आपने भी क्या करना है कि सेम उसी आइकन के ऊपर क्लिक करना, आपने भी मैसेज कर देना है, हो सकता है कि रिचार्ज जवाब मिल जाए। न्यू कन्फर्मेशन पे आपने क्लिक करना है और जहाँ से आपने मैसेज कर देना है कि रिचार्ज इशू या बैलेंस रिचार्ज इशू कैंसिल हो चुका है, या जो भी चीज़ आप लिखना चाहें आप इसमें लिख सकते हैं। अपने मुतलक जो भी आप इससे पूछ रहे हैं वो लिख के मैसेज कर दें। इंशाल्लाह आई होप कि ये रिप्लाई देंगे और आपका मसला जो है यहाँ से हल हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल एक ही रबता है इस कंपनी से बात करने का, जो मैंने आपको तरीका समझा दिया। बाकी जो मैंने आपको सेटिंग बताई है वो भी चेकआउट कर लें, हो सकता है कि उस सेटिंग की वजह से भी आपका रिचार्ज जो है वो कैंसिल हो रहा हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब रखें।